वेलकम टू माय चैनल यून टेक वर्ल्ड। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बता रहे हैं आपका कंप्यूटर को स्लाइड टू शट डाउन। जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे देखिएगा स्लाइड टू शट डाउन। जैसे मैंने यहाँ को नीचे ड्रैग करूँगा मेरा पीसी शट डाउन हो जाएंगे। ये कैसे था उसका तरीका हम आपको बताएंगे। उससे पहले अमूमन आप जानते हैं तो शट डाउन करने के लिए Alt F4 प्रेस करते हो, यहाँ पे एक शट डाउन का ऑप्शन आ जाता है। और अलग तरीका कि अमूमन हम जानते हैं कि जो स्टार्ट बटन दबाते हैं यहाँ पे देखिएगा शट डाउन का एक आइकॉन है, इसको पावर के ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पे शट डाउन कर देता है। या इसके अलावा कंट्रोल Alt डिलीट दबाते हैं यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन आपको नीचे स्क्रीन में आ रहा है इस तरफ, इसका दबा करके भी आप शट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा हम आज जो नया टेक्निक था आपको यहाँ पे जो पहले दिखाया था इस तरफ जैसे स्लाइड टू शट डाउन करना, जैसे मैंने ड्रैग करके छोड़ दूंगा माउस का कि आप हमारा पीसी शट डाउन हो जाएंगे, इसका तरीका कैसे है हम आज सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो के अंदर चलते हैं। डेस्कटॉप में राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा न्यू का ऑप्शन खुलेगा। न्यू का ऑप्शन में आपको शॉर्टकट के ऊपर जाना है। जैसे कि आप शॉर्टकट में जाओगे यहाँ पे आपको टाइप करना है स्लाइड टू शट डाउन .exe। इसके बाद आपको नेक्स्ट में जाना, नेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा टाइप योर नेम फॉर दिस शॉर्टकट, यहाँ पे आप कर सकते हैं या आप लिखो शट डाउन, शट डाउन करके फिनिश कर दीजिएगा, आपको यहाँ पे शॉर्टकट बन गया। यहाँ पे देखिएगा शॉर्टकट बन चुका है। इस शॉर्टकट का आइकन भी आप चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आप इसको राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज में जाना। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा चेंज आइकन, यहाँ पे देखिएगा कई सारे आइकन है, इसका अंदर आपका जो मनपसंद आइकन को यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। उस आइकन को हमने यहाँ पे चूज कर लिया, चूज करने के बाद ओके और अप्लाई ओके कर दिया। और यहाँ पे दोबारा आपने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे इस तरफ स्लाइड टू शट डाउन का ऑप्शन आ जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया, तो आप इसी तरफ अपना पीसी में भी बना कर रखें ताकि उन्हें भी आपको फायदा हो जाए कि आपका कंप्यूटर अलग तरीके से शट डाउन करने का। साथ साथ में आप यदि इस चैनल में नया हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगा हुआ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करने से हमारा जितना भी भविष्य में आने वाला वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपका पास आते रहेंगे। तो हम फिर मिलेंगे अगले नया टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।